हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप लोग सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। विटामिन जो है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन जीवित तंत्रों में मिलने वाला एक प्रकार का एमिन होता है। वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। मतलब कि ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या नाम से हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, हमें पोषण प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। अभी तक कुल 12 तरह के विटामिन हमारे ज्ञात है। अभी तक कितने विटामिन ज्ञात हैं? अभी तक 12 प्रकार के विटामिन हमारे ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से देखिए विटामिनों का यहाँ पे वर्गीकरण बताया गया है। वर्गीकरण के अंदर क्या है कि सबसे पहले इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो विलेयता के आधार पर किया गया है। विलेयता के आधार का मतलब ये है कि ये जो विटामिन है ये जल में विलेय होते हैं, वसा में विलेय होते हैं, या किन के अंदर इन्हें विलेय किया जाता है या विलेय होते हैं वो इनके आधार पर होता है। तो सबसे पहले देखिए इन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कितने समूह विभाजित किया गया है? इन्हें दो समूह विभाजित किया गया है। सबसे पहले वे विटामिन जो वसा में विलेय विटामिन होते हैं, वसा विटामिन विलेय विटामिन कहलाते हैं, जैसे ए डी ई के, ये चार प्रकार के जो विटामिन हैं ये वसा में विलेय विटामिन कहलाते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार प्रकार के विटामिन होते हैं जो वसा में विलेय होते हैं। जल में विलेय विटामिन, अब जल में विलेय विटामिन जो हैं वो सिर्फ दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अब इन्हें परिभाषित किया जाए तो किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वे विटामिन जो जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय विटामिन कहलाते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। विटामिनों का जैविक निकाय में कार्य है कि हमारे शरीर में या जीविक शरीर में जो जीवित प्राणी हैं उनके शरीर में विटामिन क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए, विटामिन ए को हम कैरोटीनॉइड से भी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि हमें एग्ज़ाम के अंदर यदि आधे नंबर में या एक नंबर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम क्या है, तो इस तरीके से इन विटामिन के नाम भी पूछा जा सकते हैं। तो इन विटामिन जो ए है इसका क्या नाम है? कैरोटीनॉइड विटामिन इसका नाम होता है। इसके स्रोत जो हैं, मतलब स्रोत का मतलब होता है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। तो देखिए ये दूध से हमें मिलते हैं, अंडे से हमें मिलते हैं, मछली से हमें मिलते हैं, यकृत से हमें मिलते हैं और हरी सब्जियों के अंदर तो ये आप लोगों को पाए जाते हैं। जो मांसाहारी प्राणी हैं वो दूध, अंडा, मछली, यकृत यदि खाते हैं तो उन्हें विटामिन ए वहाँ से मिल जाते हैं। अगर यदि जो शाकाहारी हैं उन्हें हरी सब्जियों द्वारा ये भी प्राप्त हो जाता है। और ये इसका कार्य क्या है? नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। यदि दोस्तों किसी की नेत्र दृष्टि यदि कमज़ोर है तो उसे विटामिन ए खाना चाहिए, जिससे कि क्या नाम से उसकी जो नेत्र दृष्टि जो है उसमें वृद्धि के लिए वो थोड़ा सा सहायक होता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से दृष्टि बढ़ जाएगी, पर हाँ सहायक हो सकता है। इसकी अभाव में जो रोग होता है कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग जिनके अंदर होता है उन्हें रात्रि के समय में कम दिखाई देता है। अब दूसरा विटामिन आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को हम थायमिन कहते हैं। विटामिन बी वन को हम क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। ये इसके स्रोत जो है हरे साग, हरे साग का मतलब होता है हरे हरी सब्जियां जितनी भी हो, जैसे पालक है, धनिया है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये मिलता है। दूध और खमीर, दूध खमीर और अनाज जो होते हैं उनके अंदर भी हमें प्राप्त होता है। इनका कार्य क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का संचालन करना, मतलब जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं उनका संचालन करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में चोट लग जाए, चोट लग जाने पर या सुई चुभ जाए, सुई चुभ जाने पर क्या नाम से हमारे जो हाथ हैं अपने आप को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, या पैर में चुभे तो हमारा पैर अपने आप उस कांटे पे से उठ जाता है। तो ये इन पूरी जो तंत्रिकाएँ हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी।
कौन सा रोग है? बीरबी। अब इसे पहचान होता है, किस नाम से पहचानोगे? विटामिन बी के नाम से कौन सा होता है? बेरी बेरी इसमें रोग होता है। आगे आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू की कमी से जो सॉरी पहला सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ, जो विटामिन बी टू है इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। ये हरी सब्जियाँ, दूध, खमीर, यकृत, अंडा। तो दोस्तों देखिए इसमें पूछा जाता है कि प्राप्ति स्रोत, तो आप लोग सभी में देखिएगा दूध, दही, यकृत, तो आप लोग सभी में लिखिएगा क्योंकि सभी विटामिन इनके अंदर तो मिलते ही मिलते हैं। और क्या नाम से जो ये क्या कार्य करता है? शरीर की वृद्धि का काम करता है। अब इसकी कमी से कौन से होते हैं, कौन सा रोग हो जाते हैं? मुंह में छाले और होठों का फटना, जिसमें जाता है। जैसे अपन लोग जो बिकासूल के कैप्सूल खाते हैं, जब हमारे छाले हो जाते हैं शरीर में, तो वो विटामिन बी टू के कैप्सूल होते हैं जो हम लेते हैं, तो उससे हमारे विटामिन बी टू बढ़ता है। और विटामिन बी टू बढ़ने पर हमारे शरीर के छाले जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आगे देखिए विटामिन बी सिक्स। बी सिक्स को पिरिडोक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिरिडोक्सिन कहते हैं, या इसे पिरिडोक्सिन नाम दिया गया है। ये अनाजों के अंदर मिलते हैं, दालों के अंदर मिलते हैं, अंडों के अंदर मिलता है और मांस के अंदर ये मिलता है। अब ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है कि हमारे शरीर में रक्त संचार करने का कार्य करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता। सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता मतलब रक्त में लोह तत्व की मात्रा कम होना, पर इतनी भी कम नहीं होती कि उससे आदमी बीमार पड़े। हाँ ये जरूर है कि लोह तत्व की इससे कमी उसमें हो जाती है। अगला देखिए पांचवा है अपना विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को हम निकोटिनिक अम्ल या नाइसिन भी हम इसे कहते हैं। इसके प्राप्ति स्रोत हैं यीस्ट, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां आदि। इसके कार्य क्या है? ये हमारी उपापचय क्रिया जो है, मतलब उपापचय क्रिया का मतलब है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन करने का कार्य भी ये करता है। इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? दस्त लग जाते हैं, त्वचा में शिथिलता आ जाती है, मनोभ्रम। मनोभ्रम का मतलब हम बैठे बैठे ही कुछ अलग चीज़ सोचने लग जाते हैं, या हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो मनोभ्रम जैसी स्थिति अब इनसे पैदा हो जाती है। और कभी कभी इसकी इन मनोभ्रम से इंसान को आत्महत्या करने की भी क्या नाम से मनोभ्रम होता है कि मैं जैसे मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, या मैं बेड से गिर रहा हूँ, या मैं ट्रेन से गिर पड़ा, या मैं बस में चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे उसे मनोभ्रम हो जाते हैं। आगे देखिए विटामिन बी बारह। विटामिन बी बारह को हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? साइनोकोबालेमिन कहते हैं। ये भी यकृत और मछली से ये प्राप्त होता है। ये भी हमारे उपापचय क्रियाओं के अंदर क्या नाम से काम में आता है। स्थूलाणु रक्ताल्पता इससे पैदा हो जाती है। एस्कोर भी कम, जिसे अपन क्या कहते हैं विटामिन सी कहते हैं। अब विटामिन जो सी मिलता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी आदि के अंदर ये पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में घावों को भरने का कार्य करते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब है कि हमारे दांत जो हैं उनके मसूड़े जो हैं उन मसूड़ों में से अपने आप रक्त निकलने लग जाए, तो उससे विटामिन सी की कमी के कारण वो रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। आगे देखिए विटामिन एच, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे? बायोटिन कहते हैं। दूध, खमीर, अंडा, वृक्क के अंदर ये पाया जाता है। उपापचय की क्रियाओं को ये भी नियंत्रण करता है, जैसे बालों का गिरना, त्वचा का शोधन या लकवा आना विटामिन एच की कमी के कारण होता है। अगर यदि कोई भी आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमारे बाल जड़ जाते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, महिलाओं की नहीं दोस्तों बॉयज की भी यही शिकायत होती है कि हमारे बाल टूटते हैं, तो उनके मैं ये सलाह देता हूँ कि उन्हें विटामिन एच खाना चाहिए, जिसमें दूध, खमीर और अंडे जो आते हैं ये जरूर उनको खाना चाहिए। आगे देखिए विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है आप लोगों को पता ही, विटामिन डी को स्टेरॉल्स यौगिकों का समूह हम इन्हें कहते हैं। ये हमें तेल, मक्खन, अंडा, मांस से तो मिलता ही मिलता है, परंतु यदि आप लोग दिन के समय मतलब सुबह पहले जब सूर्य की किरणों के अंदर आप बैठते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। इससे क्या ये क्या किस काम में आते हैं? ये अंधता को
रोकता है वृद्धि करना और कैल्शियम व पोटेशियम का उपापचय ये हमारे शरीर में करता है। बच्चों का इसमें रोग देखिए, बच्चों का सूखा रोग इसमें हो जाता है, हड्डियों का, दांतों की विकृति, जनन क्षमता में दांतों की विकृति इसमें आ जाती है। मतलब जिस व्यक्ति की हड्डियां धनुषाकार हो जाए या जिनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाए या जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाए, वो विटामिन डी की कमी के कारण ही हमारे होता है। क्योंकि जब विटामिन डी मिलता है तो हमारे शरीर में कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिलकर के हमारे हड्डियों का निर्माण ये करते हैं। आगे देखिए विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये पादप तेल, गेहूं के अंकुर के अंदर ये मिलते हैं। ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं जो क्या नाम से जनन क्षमता में कमी तथा कुपोषण होता है, इसकी कमी से होता है। जनन क्षमता में कमी का मतलब ये है कि जैसे किन्हीं किन्हीं स्त्री पुरुषों के क्या नाम से बच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो उनमें विटामिन ई की कमी होने के कारण ही वो उनके अंदर जनन क्षमता में कमी पाई जाती है। अब देखिए परिरक्षक। परिरक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, परिरक्षक वे रासायनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ होते हैं जो किन्हीं चीज़ों को परिरक्षित करने में या सुरक्षित रखने में काम में आते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। परिरक्षक के गुण, ये परिरक्षक जो होते हैं कम मात्रा में क्रियाशील होते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव इनका होता है, मतलब थोड़ी सी ही मात्रा यदि इनकी डाली जाए उसमें ये कार्य करते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव होता है का मतलब अधिक लंबे समय तक ये किसी चीज़ को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता इससे कम नहीं होती, मतलब खाद्य पदार्थों के स्वाद वगैरह में इनमें कोई कमी नहीं आती, इससे हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हमारे परिरक्षकों के गुण होते हैं। आगे देखिए परिरक्षक दो प्रभाव के होते हैं, एक तो प्राकृतिक परिरक्षक होता है और एक रासायनिक परिरक्षक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक परिरक्षक, आप लोगों को पता है कि वे परिरक्षक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखने हैं तो प्रयोग में लिए जाते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं। अब रासायनिक परिरक्षक कौन से होते हैं, वे परिरक्षक जो रसायनों द्वारा मिलकर के बनाए हुए होते हैं तो रासायनिक परिरक्षक कहलाते हैं। अब रासायनिक परिरक्षक में देखिए दोस्तों कि जो रासायनिक परिरक्षक है ये कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों द्वारा ये मिलकर के बने होते हैं, या कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों को इनमें प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक रसायन जिसमें सल्फर, क्लोरीन गैस द्वारा कटे हुए फल, मांस एवं मछली आदि को परिरक्षित किया जाता है। मतलब जैसे कि दोस्तों हम लोग सेब को काट करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद में ये हमारा सेब की जो ऊपरी सतह है वो कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। तो इस चीज़ से जब क्लोरीन गैस से हम इसे काटते हैं या रसायनों द्वारा हम इसे काटते हैं तो वह जो फल है या हमारा सेब जो है उसकी सतह पीली नहीं पड़ती, क्योंकि जो उसमें उपस्थित आयरन होता है, किसमें उपस्थित, आप लोगों के जो अपने सेम के अंदर जो उपस्थित आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं कर पाता और फिर FeO मतलब फेरस ऑक्साइड हमारे बना नहीं पाता, जिसके कारण वो पीला नहीं पड़ता है। कार्बनिक परिरक्षक सिरका, लैक्टिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट और क्या नाम से पैराबिन्स, सोरबेट, प्रोपियोनेट्स आदि ये होते हैं। दोबारा से देखिएगा, कार्बनिक परिरक्षण जो होते हैं सिरका, लैक्टिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, पैराबिन्स, सोरबेट्स, प्रोपियोनेट्स आदि इनमें पाए जाते हैं या ये होते हैं। पैराबिन्स जो हैं, अब पैराबिन्स क्या हैं, देखिए पैराबिन्स का क्या काम आता है। पैराबिन्स जो है टमाटर की चटनी, सॉस आदि को परिरक्षण में काम में आते हैं। मतलब देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने कि हम जब सॉस को सूंघते हैं तो उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की जो गंध आती है वो पैराबिन्स के कारण ही हमें वो आती है। सोरबिट अम्ल के लवण, अब सोरबिट अम्ल के लवण का उपयोग दूध, पनीर जो है इनको परिरक्षित करने के काम में लिया जाता है। आगे देखिए प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट जो है ये सूखे खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, पापड़ आदि को परिरक्षित करने के काम में आता है। अब जो परिरक्षक हैं और ये संरक्षित उत्पाद हैं वो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए कि वनस्पतिक जो तेल, नमक जो हैं ये क्या काम आता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी मम्मी वगैरह जो है अचार वगैरह बनाती है, तो जब ये अचार बनाती है तो उन अचार में जैसे मान लीजिए क्या नाम से
जो हमारे केरी का जब अचार गलता है तो केरी का अचार जो डालते हैं, तो केरी का अचार जब डाला जाता है तो जैसे बर्नी होती है, बर्नी के अंदर जैसे यहाँ तक नीचे नीचे हमारे केरी का अचार होता है, तो इसे इसके ऊपर तक तेल से भर दिया जाता है, ताकि तेल जब इसकी सतह के ऊपर तैरते हैं तो इसमें सूक्ष्म जो जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का जो आक्रमण जो होता है वो नहीं हो पाता, और इसके अंदर जो है हमारा अचार सुरक्षित रहता है। ठीक है, जो चीनी होती है, चीनी जो होती है कि मिठाइयों के अंदर ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने देखा होगा चीनी को डाली जाती है, क्योंकि इसे 3 से 4 दिन तक चीनी डाल करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सिरका, लैक्टिक अम्ल जो है तेल रहित अचार बनाने में काम में आते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फल रस और जैम जेली जैसे चीज़ों को परिरक्षित करने के काम में आते हैं। पैराबिन्स जो हैं टमाटर की चटनी सॉस वगैरह को परिरक्षित करने के काम में आते हैं। सोर्बेट्स हमारे दूध व पनीर उत्पाद जैसे हमारी मिठाइयाँ वगैरह जो आती हैं, इनको लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए हमारे सोर्बेट काम में आते हैं। प्रोपियोनेट, बिस्किट, पापड़ आदि को, मतलब सूखे पदार्थों को क्या नाम से परिरक्षित रखने के काम में आते हैं। अब आते हैं दोस्तों खाद रंग। खाद रंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हमारे विभिन्न प्रकार की अलग अलग कलर की मिठाइयाँ हमें मिलती है, तो वो कलर जो होता है, वो जो रंग आता है, वो खाद रंग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो वैसे तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि खाद रंग ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, परंतु जो प्राकृतिक जो खाद रंग है वो नुकसानदायक नहीं होते, परंतु कृत्रिम जो खाद रंग होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों मैं कि हमें सिर्फ मीठी मिठाई, सफ़ेद जो मिठाई है जिसके अंदर बिल्कुल कोई कलर मिला हुआ नहीं होता, वही हमें खानी चाहिए। वैसे तो आजकल वो भी नकली मिलती है। तो आगे देखिए, वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को रंगने में काम में आते हैं खाद्य रंग कहलाते हैं। ठीक है, WHO विश्व जो स्वास्थ्य संगठन जो है द्वारा मान्य जो रासायनिक खाद जो है वो कौन सा है दोस्तों, हमारे क्या नाम से, एक काल तार रंजक जो है इसे हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी है। मतलब जो हम रंग करने के काम में लेते हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो रंगते हैं, तो हम कालतार रंजक जो हैं इसी से हम मिठाइयाँ रंगे और बाकी किसी से नहीं रंगे। सर्वाधिक प्रयुक्त खाद्य रंजक कौन कौन से, जैसे एजो रंजक, ये कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है, नारंगी रंग देता है, हरा और नीला रंग जो होता है ये देता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी मम्मी वगैरह बेसन चक्की बनाती है तो उसमें एक प्रकार का कलर डालती है, तो वो नारंगी रंग जो होता है वो एजो रंजक के का ही नारंगी रंग होता है हमारे इसके अंदर डाला जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो जो आम के रस वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर ये नारंगी रंग डालता है, जिसके कारण उसका जो कलर होता है वो नारंगी कलर जैसा हमें दिखाई देता है। प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक जो होते हैं वो केरोटीन, केरोटीन जो होता है, केसर जो होती है, दूध के अंदर जब केसर डालते हैं तो केसर, केसर या रंग उसका होता है वो केसर के कारण ही होता है। चुकंदर के कारण लाल रंग होता है, इनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद्य रंगों का प्रयोग ठंडे पेय, डिब्बा बंद फल एवं सब्जी, बेकरी, मांस, मछली उत्पादों में इनका उपयोग किया जाता है। रासायनिक रंगक जो हैं वो टेट्राजीन, इरिथ्रोसीन, सनसेट, थेलो, इंडिगो, कार्पिन, कार्मीन, हाँ आदि ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज हमारा लेसन एंड होता है।